के जो आरोपी है उनको फांसी मांगता है, फांसी की सजा मांगता है। सर मैं तो चौकी में घुस के इसको मार दो सर। सरकार से एक ही मांग करूंगा, इसकी माँ को जिंदगी भर खिलाओ ले तो मैं तो इसको फांसी की सजा दे दो सर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत्यकाल, आप देख रहे हैं SWA न्यूज। हम मानपुर पुलिस स्टेशन के अगले खड़े हैं। लल्लू भाई, लल्लू भाई चौकी भी बोला जाता है और लल्लू भाई कंपाउंड है, यहाँ पर लोग रहते हैं काफी अच्छी तादाद में, और यहाँ पर एक युवक की हत्या हुई है। उस युवक का नाम है तैयब अजहर खान, और इस युवक के बारे में बताया गया है कि ये युवक एक छात्र था और अच्छा खासा पढ़ाई करता था, स्टूडेंट था। ये सानपाड़ा ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और छोटी मोटी झगड़ा जैसे कि सुनने में आया है, और बताया गया इनके घर वालों ने, इनके मामा ने बताया कि कोई दो झगड़ा ऐसा हुआ था, उसकी वजह से हो सकता है इसके इसकी जान लेने की कोशिश किसी ने की होगी, या उनका नाम भी बताया है। तो इस ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या इन्होंने ही किया है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। कल रात में हुई थी ये हत्या और आज 5 तारीख है, और सुबह में जब दोपहर के टाइम पे मालूम पड़ा पुलिस को, तो पुलिस हरकत में आई और पता लगाया, और जो है पता लगाने के बाद पुलिस को ये जानकारी शाम तक मिली कि इसके घर वाले यही रहते हैं। तो इसके घर वाले लोग आए हैं और उसकी जो है हम उन लोगों से बाइट लिए हैं। उनकी ये मांग है कि यहाँ पर हमें इंसाफ चाहिए, जिन्होंने इनकी इनके बच्चे की हत्या की है उनके लिए फांसी की मांग ये लोग कर रहे हैं। और मानपुर विधानसभा के अंदर नशे के कारोबार इतना ज्यादा फल फूल रहे हैं कि हो सकता है शायद कोई नशा करने वाला ही इनकी हत्या किया हो, और या नहीं तो फिर कोई गुंडा या कोई बदमाश ने इनकी हत्या किया हो, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मानखुर मुंबई से SWA न्यूज के लिए मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट। मैं मुन्या हबीब शेख। क्या लगता था आपको जिसकी हत्या हुई है? अभी देखो वो रहता है इधर, मैं रहती हूँ लंबा, तो मेरे को मालूम पड़ा, मैं जैसे आई ऐसा इन लोग ने इधर से भगा दिया हम लोग को कि राजावाड़ी जाओ, राजावाड़ी में है। अच्छा। तो उधर 2 घंटे तक के मैयत नहीं मिली थी, पुलिस वाले ने भगा दिया ऐसे कि तुम राजावाड़ी जाओ, राजावाड़ी में मैयत है। राजावाड़ी में 2 घंटे तक के मैयत नहीं आई थी, 2 घंटे के बाद बॉडी इधर ही गिरी थी, 2 घंटे के बाद मैयत उधर लेके आए। 2-3 घंटे पुलिस छुपा रही थी। हाँ छुपा रही थी पुलिस। तो हम हम लोग को यही मांगते कि जो आरोपी है उनको फांसी मांगता है, फांसी की सजा मांगता है। हम लोग मेरी लड़की है, किस तरह से आपको क्या? ये तो मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, काम पे गई थी सर, ये कुछ पता नहीं इसमें का। मैं काम पे से आई तो मुझे मालूम पड़ा कैसी सी बात है। हम डायरेक्ट दवा खाने गए, दवा खाने से हमको मालूम पड़ा कैसी सी बात हो गई, हमको मालूम पड़ा क्या वो ऑफ हो गया बिल्कुल। तो हमको कुछ नहीं, हमको करना है, हमको आरिफी चाहिए बस, हमको कुछ नहीं, मतलब बस चाहिए। क्या लगता है किससे दुश्मनी का क्या बात थी उसको? अभी सर अभी हम कुछ बोल सकते हैं, उसकी हो सकता दुश्मनी भी उसकी होगी, दुश्मनी भी होगी उसकी। अगर दुश्मनी होगी तो किस चीज को लेकर हो सकती है आपके समझ अंदाजा लगा सकते किस नहीं, 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 अभी कैसा हम सर बोलेंगे, हम तो बोल नहीं सकते ऐसा क्या किसी के साथ दुश्मनी थी, हमको कुछ नहीं बता रहे थे कि कुछ लफड़ा हुआ था नहीं था कबूतर को लेकर। आप नाम बताओ पहले। मेरा नाम मोहसिन महबूब शेख है सर, मैं भी सोशल वर्क का काम करता हूँ, मानपुर मुंबई से अध्यक्ष हूँ, मैं इसका मामू छोटा मामू। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहसिन महबूब शेख है। क्या लगता है आपको किस तरह से उसकी हत्या हुई है? अभी मेरे को तो एक ही लगता है सर, अभी बीच में लोग का झगड़ा हुआ था, एक संतोष लांडी के नाम का एक लड़का PMG में, ये इधर हफ्ता वगैरह लेता है। तो मेरे भांजी लोग लग रहा रात में इधर से आ रहे थे, शायद लोग लल्लू भाई का इसका पीछा पीछा की है, फिर बाद में लोग अंदर इधर रूम के अंदर घुसा के इसको मारना चालू किए, तो इसमें भी एक दो को मारा इसमें भी, तो लोग 4-5-6 जन पूरे एक साथ जम के इसको पीछे से वार वीर कोई तो रहते से लोग मारना चालू किए सर। तो और एक कबूतर के लिए सोनापुर में भी हुआ था सर इसका, तो इधर का एक शान है संतोष लाली के बोल के, बाजार में हफ्ता वगैरह लेता है। तो अपने को सर इंसाफ किए सर, और एक कॉलेज पढ़ता है सर, बस इतना ही। पुलिस से एक ही मांग करना चाहूंगा, इंसाफ चाहिए सर, नहीं तो इसकी माँ को जिंदगी भर पिटाई खिलाना पड़ेगा सर। यही एक लड़का है जिसके ऊपर भरोसा सर, इसकी माँ ने रख के बाहर सऊदी बर्तन, पढ़ाई में एक नंबर था सर, दिमाग भी अच्छा था सर।
यानी कि एक अच्छा छात्र को इस तरह से मौत की घाट उतारा गया, तो सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से एक ही मांग करूंगा, इसकी माँ को जिंदगी भर खिलाओ, ले तो मैं तो इसको फांसी की सजा दे दो सर, मैं तो चौकी में घुस के इसको मार दो सर, एक ही मांगता हूँ सर, दूसरा कुछ नहीं बोलना चाहता सर। मैं खाना खा के फिर नीचे उतरा, नीचे उतर के बाद में फिर उसने बोला मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो गई, फिर उसके बहन को बोला कि मोबाइल चार्जिंग पे लगा इधर 93 बिल्डिंग में, 10 बजे तक नीचे ही खेल रहा था। रहता कहाँ था वो? महाराष्ट्र नगर में। महाराष्ट्र नगर, हाँ, मगर रहने का ज्यादा करके हम लोग इधर 93 में रहते हैं। अच्छा, ये दो घर है हमारे, दो घर तो यहाँ पे रहते थे। हाँ, क्या लगता किससे दुश्मनी थी उसका, क्या कैसा दुश्मनी थी क्या नहीं थी वो मालूम नहीं था मेरे को, मगर दुश्मनगिरी से मारे लो, दुश्मनगिरी से मारे लो उसको। 3 दिन पहला कुछ कबूतर का झगड़ा हो गया था, 3 दिन पहला जब कुछ भी इसका मैटर था, कुछ भी नहीं था, भी नहीं वो, अभी वो भगवान को मालूम है कौन कपड़े में लेके जाए, उधर कोने मिल जाए उसको मारे, तलवार से मारे लो, वो था भी नहीं लपड़े में। जो लफड़ा हुआ कबूतर का किससे लफड़ा हुआ था? वो झोपड़पट्टी के लोग थे, सोनापुर के लड़के लोग थे, बोलते सोनापुर के लड़के लोग थे। तो क्या लगता है कि आपको कितना किस तरह से मालूम होता है कि आपके लड़के को जो है लड़के तभी मालूम पड़ा कि आपका वो आपका मर गया, मतलब मर गया बोल के हमको 1:30 बजे मालूम पड़ा। कौन बताया आपको? अरे मैं, मेरा जो बड़ा लड़का है ना असलम शेख, मेरे घर पे 93 में गए लोग जाके, उधर बोले कि ये तो मोहसिन का भांजा है ना, मोबिन का भांजा। मैं उससे बोला हाँ बोलो, तो बोले चल तू हमारे साथ में, तो उसको गाड़ी में बिठा के लेकर आए, गाड़ी में बिठा के लाने के बाद में फिर उसको मोबाइल में फोटो बताया पुलिस वाले ने, तो इसलिए रोने लगा असलम। तो फिर मेरे को फोन आया, असलम को, असलम ने फिर किसी को फोन करा, मेरे को जल्दी फोन आया नहीं, 2:30 बजे मेरे को फोन आया। मैं भी 1:30 बजे काम पे से आई, काम पे से आके मैं खाना खाना बोल के सोची अभी खाना खाऊ, तो अपने लड़के का कौन कौन इधर है आपका? आप ये लड़की, ये देखो ये लड़की है और एक मोबिन अजहर खान बड़ा लड़का है, बस दो हम, दो और मर्द, मेरा मर्द बस, हम लोग 5 जन घर में रहते हैं, माँ बाप नहीं है, माँ बाप उधर, एक माँ सऊदी में रहती है कमाने गई लियो, आज हम लोग 15 साल से बच्चे लोग हमारे पास, नहीं 15 साल का लड़का, आपको इंसाफ मिलेगा? मेरे को इंसाफ चाहिए देखो सब, मेरे बच्चे झगड़े वाले ने टंटल, वही लड़का इतना भारी था, वो लड़का ही अच्छा था हमारे घर के अंदर, कॉलेज का लड़का था, कॉलेज में जाके तुम इंक्वायरी करो, किधर भी इंक्वायरी करो, वो लड़का अच्छा कॉलेज पढ़ता था, वो सानपाड़े में अभी मैं कैसा बोलू रात को, अभी उसको लेकर गए उसको मारे, मैं कैसा बोल सकती हूँ? यही था लल्लूभाई में नहीं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नगर में था, वो घर है जिस समय रात को उतरा हो तो किधर था? ये 93 में, लल्लूभाई में नहीं, 93 कॉलोनी में, उधर भी मेरा घर है, मेरे दो बेटे रहते हैं उधर, दो बहू रहते, उधर गया खाना खाया मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, फिर नीचे खेल रहा था, 10 बजे तक खेल रहा था नीचे ही, 10 बजे तक। हमारे चैनल के माध्यम से आप पुलिस के और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? बस हमारे को यही, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए देखो, मेरे मेरे नवासा झगड़े वाला ने वो तीनों जन को, मैं बचपन से मई माँ मई बाप उसको मैंने संभाली, बाप का बच्चा है वो, माँ कमाने के लिए अभी उसको माँ कमाने 12 साल हो गई, आती जाती आती जाती, अभी तो 2 बजे आएगी रात में, और अभी को पकड़ो तो मिलता दिलो बस। कॉलेज से आया था,